नमस्ते भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में, गलियों की नगरी वाराणसी। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन को आते हैं। और इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं वो भारत सेवाश्रम संघ है। हम आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां आप वाराणसी में बहुत ही मामूली कीमत पर बहुत ही कम पैसे में ठहर सकते हैं। यहां इस आश्रम में रहने और खाने की भी व्यवस्था है। और इस आश्रम की सबसे अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी साफ़ सुथरा है और अंदर हरियाली भी है। तो चलिए हम आश्रम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आश्रम ये कैसा है और यहाँ रहने की व्यवस्था किस तरह की है। हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर और ये देखिए सामने जो है कंप्यूटर सेंटर है। यहाँ पे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और ये हॉस्पिटल है, होम्योपैथिक हॉस्पिटल है। और हम इस तरफ आपको दिखाते हैं, इस तरफ जो है एलोपैथिक हॉस्पिटल है जहाँ पे आसपास के लोगों को या इस आश्रम में आने वाले लोगों को दवा दी जाती है ज़रूरत के मुताबिक। ये यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है सामने और इस आगे में भी यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ गाड़ियाँ आप लगा सकते हैं अगर गाड़ी से आते हैं तो। और ये जो जगह है काफ़ी खुला खुला है और ये देखिए आप आश्रम के एंट्री गेट में ही आपको ये देखिए यहाँ काफ़ी हरियाली है। और इस तरह से यहाँ पे करीब करीब चारों तरफ से बिल्डिंग बनी हुई है, बावजूद इसके बहुत ही खुला स्थान है। आप यहाँ पर मतलब ये नहीं फील करेंगे कि किसी होटल में या किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ घुटन महसूस हो रही हो। इस आश्रम की यही खासियत है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मंदिर है जो भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक हैं। यहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है और दूसरी देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। सुबह सुबह इस मंदिर में पूजा ध्यान और आरती की जाती है। ऑफिस है जहां आप कमरे की बुकिंग करवा सकते हैं और यहीं से तमाम जो है संचालन का काम इस संस्था का होता है। ऑफिस के दूसरे साइड में ये बिल्डिंग है और यहां पे इन कमरों में जो है यात्रियों को पर्यटकों को ठहराया जाता है। तो ये आश्रम का एक बिल्डिंग है, दूसरी तरफ उस तरफ बिल्डिंग है। आश्रम के मतलब तीन तरफ बिल्डिंग बना हुआ है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने हुए हैं। बताया जाता है कि करीब 150 से 200 कमरे हैं यहाँ, तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। हम आपको लिए चलते हैं एक एसी कमरे में और दिखाते हैं कमरे की स्थिति कि कमरे कैसे हैं यहाँ के। आइए, ये हम आ गए हैं कमरे में और ये कमरा जो है एसी कमरा है। और इसका इसमें देखिए जो बेड लगे हुए हैं आप देख सकते हैं कि इसमें चार लोगों को सोने की व्यवस्था है। चार लोग इसमें आराम से ठहर सकते हैं। अटैच्ड बाथरूम है, हम आपको बाथरूम में भी कहेंगे भैया को कि दिखा दें। बाथरूम भी यहाँ के साफ सुथरे और मतलब अच्छे बड़े बाथरूम हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फर्स्ट क्लास है एकदम। कुल चार लोगों की सोने की व्यवस्था है और सामने देखिए अलमीरा जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं।
और यहाँ पे एक आपको टेबल और दो कुर्सी भी मिलता है बैठने के लिए। तो ये तमाम व्यवस्था है 800 रुपया में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मतलब और अब हम आ गए हैं एक दूसरी बिल्डिंग में, और ये भी जो कमरा है ये एसी कमरा है, और यहाँ भी कुल 4 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। और ये देखिए, ये यहाँ पे चौकी पे ही लगा हुआ है, मतलब बिछावन, साथ में यहाँ पे एक टेबल और दो कुर्सी, और ये सामने जो है यहाँ पे अलमीरा है। अलमीरा खोल के हम कहेंगे दिखाइए, ये अलमीरा है जिसमें आपको मच्छरदानी और दूसरे सामान रखे हुए हैं, और कंबल है, और साथ में आप अपना सामान भी यहाँ आप आसानी से रख सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे भारत सेवा आश्रम संघ में। और इस कमरे की भी भैया कितनी है, मतलब 1000 तो 1000 रुपया मतलब इस कमरे का है। हम आपको बाथरूम यहाँ का दिखाते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा और कितना बड़ा ये बाथरूम है। बाथरूम में जो है इटालियन स्टाइल में जो है लगा हुआ है बाथरूम, और इसमें झरना और गीजर की भी व्यवस्था है। तो ये इस तरह से व्यवस्था है यहाँ, साथ में बाल्टी और मग भी रखे हुए हैं। यहाँ आप आराम से स्नान कर सकते हैं। बहुत ही क्लीन साफ सुथरा इस भारत सेवा आश्रम संघ की जो तमाम कमरे हैं वो बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही क्लीन है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इस यहाँ की। और ये एक नॉन एसी रूम है, और यहाँ भी 4 से 5 लोगों की सोने की व्यवस्था है, ठहर सकते हैं आप यहाँ 4 से 5 लोग आराम से। यहाँ देखिए कि 3 जो है बेड लगे हुए हैं, और यहाँ पे इस तरह से एक अलमीरा दिया गया है, कपड़े के लिए स्टैंड दिए गए हैं जहाँ आप कपड़े डाल सकते हैं, और एक ये सामने ही टेबल और कुर्सी है यहाँ पे, ये टेबल और कुर्सी है यहाँ पे। और बाथरूम यहाँ का भी काफ़ी अच्छा और बड़ा है, क्लीन है। सबसे अच्छी बात है कि क्लीन है। आपको हम कहेंगे कि आप कैमरा अंदर ले जाके दिखाइए बाथरूम में। बाथरूम में जो है इटालियन स्टाइल में जो है पौधान लगे हुए हैं, इसके अलावा गीजर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, और जो सुविधाएं मतलब कि होनी चाहिए एक रहने के लिए, ठहरने के लिए, वो यहाँ पे मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही सस्ते रेट में मिलता है, जो आम तौर पे होटल में आपको एक घुटन होगी बहुत ज़्यादा पैसा दे करके, लेकिन यहाँ घुटन नहीं होता, घर जैसा माहौल होता है। ये सबसे बड़ी यहाँ की विशेषता है। सामने जब भी आप किसी भी बिल्डिंग में रहें, यहाँ 3-4 बिल्डिंग है, किसी भी बिल्डिंग में रहे आप, ग्रीनरी यहाँ जो है हरियाली काफ़ी है, और आपको सामने हरियाली दिखती है जो आँखों को प्यारा लगता है। आप अच्छा फील करते हैं, वातावरण के साथ रहने का मौका मिलता है। ये इस भारत सेवा आश्रम संघ जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये बताइए, आप लोग बताइए कि आप लोग मतलब किस तरह से, मतलब यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले हम भारत सेवा आश्रम संघ स्वामी परमानंद जी द्वारा स्थापित संस्था में आपका स्वागत करते हैं। ये संस्था में कम से कम हमारे यहाँ 150 से 200 रूम हैं, जो कि हर तरह का रूम है। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रेनेट है, वाटर कूलर है, पानी की पूरी व्यवस्था है, साफ़ सफाई है,
और यहाँ कई प्रकार के रूम हैं, जैसे एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, डबल बेड रूम है। हमारे यहाँ बहुत से गरीब टूरिस्ट भी आते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ हॉल है, बेड के साथ पूरा हॉल है। बहुत ही कम सुविधा में ये हमारे यहाँ जो रूम है, बहुत ही कम सुविधा में मार्केट से अगर देखा जाए। ये हमारा संस्था जो है हमारे गुरु जी द्वारा स्थापित है, उस दौरान ही उन्होंने कहा था कि हम सेवा भाव से इस आश्रम की स्थापना करते हैं। कोई भी यात्री अगर कहीं से आ रहा है तो उसको हम जितने कम से कम पैसे में, बहुत से यात्री को तो हम निःशुल्क में भी रखते हैं, पेशेंट हैं, और जितना भी हो सके हम आश्रम के द्वारा उन्हें पूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर सुबह दोपहर में 12:30 बजे, रात को 9 बजे भोजन की भी व्यवस्था है, जिसका शुल्क मात्र 50 रुपये है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। शुद्ध शाकाहारी होता है, उसमें किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज की उपयोग नहीं किया जाता है। ये बताइए कि कहाँ से आए? धनबाद से आए। कैसी व्यवस्था है यहाँ? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था। कितने में मिला है कमरा? 500 रुपये में। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 2 कमरा लिए हैं, 7 लोग बड़े हैं, 5 बच्चे हैं, 13 लोग हैं। घूमने आए हैं? जी घूमने आए हैं। वाराणसी। तो यहाँ जो आश्रम में, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? हमने गूगल पे देख रहे थे तो गूगल से पता चला। गूगल से? जी। मतलब व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, कभी भी आएंगे तो यहीं आएंगे सीधा। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। हाँ, व्यवस्था कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कभी भी और आना हुआ तो हम सीधा यहीं आएंगे। और कोई भी हमारे मित्र जैसे आते हैं वाराणसी घूमने के लिए, तो उनको भी बताया जाएगा कि भारत सेवा संघ आश्रम में है। ठीक है, ये बताइए कि वाराणसी आए, भारत सेवा आश्रम संघ आए हैं, यहाँ रहने की कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी है, हम जब भी आएंगे तो यहीं पर ही रहेंगे। क्या खासियत क्या है? साफ़ सुथरा है सब कुछ है, इसमें रहने का ढंग सब सही, अच्छा है, मंदिर भी है, भगवान का घर है, अच्छा है बहुत। और अब हम आ गए हैं भारत सेवाश्रम संघ के एक हॉल में। ये देखिए हॉल है, और जो ग्रुप में लोग तीर्थ यात्रा के लिए, पर्यटन के लिए निकलते हैं, उनके लिए ये जगह काफ़ी अच्छा है। इस हॉल में एक साथ कम से कम 10 से 12 लोग आसानी से रह सकते हैं। यहाँ ठहरने की वो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो दूसरे कमरे में होते हैं, बस यहाँ ये बड़ा हॉल है, इसमें ज़्यादा संख्या में लोग रह सकते हैं। और इसका जो चार्ज है वो बहुत ही मामूली है। हॉल कितने में बुक होता है? हॉल ऐसे कम रुपया में बुक होता है, ऐसे मान लो 10-15 आदमी रहेगा उसी हिसाब से 50 रुपया करके लेते हैं, समझ लो। अगर कम भी होते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, समझ लो। तो 50 रुपया में अगर आप वाराणसी में, आपको ठहरने की व्यवस्था मिल जाती है और हाइजीनिक जगह मिलती है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और इससे अच्छा मतलब, और इससे सस्ता शायद ही कहीं आपको मिले। ये दूसरा हॉल है, और इस दूसरे हॉल में भी देखिए ये बेड लगे हुए हैं, जो ग्रुप में लोग आते हैं उनके ठहरने के लिए ये व्यवस्था की गई है। 40 से 50 की संख्या में भी अगर आप आते हैं तो यहाँ इस हॉल को आप हायर कर सकते हैं मामूली कीमत पे, बहुत ही कम पैसे में, और यहाँ आप ठहर सकते हैं। यहाँ बाथरूम की भी उसी तरह से 3-4 बाथरूम बनाए गए हैं, और ये बाथरूम है, टोटल 4 बाथरूम है यहाँ पे। और देखिए यहाँ भी जो बाथरूम है, अच्छे बड़े हैं, बुरे नहीं हैं, मतलब अगर आप 1-2 दिन के लिए ठहर रहे हैं, अगर 50 रुपया में आपको सुविधा इस तरह की मिलती है तो इससे मैं समझता हूँ कि सस्ती सुविधा आपको और कहीं कहीं कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगा, जितना अच्छा यहाँ व्यवस्था है। फैन लगे हुए हैं 3-3, 4-4, मतलब हम देख रहे हैं कि टोटल 5 फैन लगे हुए हैं, मतलब जितने हॉल की लंबाई और चौड़ाई है उसके हिसाब से यहाँ फ़ैन की भी व्यवस्था है, कि लोगों को अनकंफर्टेबल फील ना करें, वो ऐसा महसूस ना करें कि उन्हें दिक्कत हो रही है। तो
तो ये सुविधाएं हैं यहाँ। तो ये जो हॉल है आप देखिए कितना बड़ा हॉल है, यहाँ बेड तो नहीं लगे हुए हैं लेकिन लोग यहाँ बड़ी संख्या में एक साथ रह सकते हैं, मतलब 40-50 से ज़्यादा लोग यहाँ रह सकते हैं, सो सकते हैं। इस तरह की यहाँ जो है व्यवस्था है भारत सेवा आश्रम संघ में। तो चलिए हम पहले आश्रम के बारे में स्वामी जी से जानते हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है। स्वामी जी ये बताइए कि जिस तरह से आश्रम में जो आप मतलब तीर्थात्री हैं, जो घूमने आते हैं, पर्यटक हैं, उनको यहाँ पे आप मतलब आश्रय मुहैया करवाते हैं, तो जो आश्रय का चार्ज है, कमरे का चार्ज है, किस किस तरह के कमरे हैं, उसके बारे में बताइए। यहाँ जो लोग आते हैं बहुत सारे गरीब आदमी आते हैं, उसको हम लोग पैसा के बारे में नहीं पूछते हैं, जो जाने का समय उसको जो इच्छा होगा वो दे के गया, लेकिन जो देने वाला है, जो देने का समर्थ तो है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल चार्ज में जो यहाँ कुछ दे जाइए। इसको मेंटेनेंस का भी खर्चा है, इलेक्ट्रिक बिल भी हमारा बहुत आता है, तो इसीलिए हम लोग का हर एक प्रकार के रूम है, कम से कम 150 रूम यहाँ हैं। तो बहुत सारे गरीब आदमी को हम लोग कोई पैसा के बारे में पूछता नहीं है, वो ऐसा ही चल जाते हैं, तो भी हम लोग ठीक है चलो, या दो टाइम खाना भी मिलता है तो उसको नॉमिनल चार्ज में हम लोग खाना भी खिलाते हैं। और विभिन्न तिथि जैसे आज हम लोग का फ्री खाना खिलाना, विशेष विशेष तिथि में ये सब हम लोग का हज़ारों आदमी को खिलाते हैं। दुर्गा पूजा में हमारा यह दुर्गा पूजा होते हैं, भारत सेवा आश्रम संघ का सारा सन्यासीगण यहाँ आते हैं, रुकते हैं, और उसी समय हम लोग का 5 दिन लंगर चलता है, यहाँ का लोकल आदमी सब आके प्रसाद लेते हैं। और हर आदमी जानते हैं जो भारत सेवा आश्रम संघ दुर्गा पूजा वाराणसी में कैसे होता है, शहर में तो यह विधि विधान से सन्यासी लोग ही पूजा करते हैं, ऐसा ही व्यवस्था है यहाँ के। मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ जो आपने बताया कि पूरे इस आश्रम में 150 के करीब कमरे हैं, तो इसमें तरह तरह के कमरे होंगे, एसी, नॉन एसी, तो इसके चार्ज के बारे में थोड़ा बताइए, और इसकी बुकिंग की क्या है, मतलब कैसे करते हैं बुकिंग, उसके बारे में बताइए। यहाँ चार्ज मतलब एकदम पार्टिकुलर चार्ज नहीं है, जो हम लोग बोलते हैं जाने का समय डोनेशन कुछ रखा तो खर्चा है, तो उसके लिए आप 300 रुपया से हमारा शुरू है, अटैच बाथरूम मिलेगा, 2 आदमी 3 आदमी आराम से रह सकते हैं, हमारा एसी रूम भी है कुछ, तो एसी रूम का 1000 रुपया बोलते हैं लेकिन कोई 800 दे जाता है, 700 दे जाता है, उसको 24 घंटा टाइम भी दिया जाता है। उसको बाद वो बोलते हैं जय स्वामी जी हमारा शाम को गाड़ी है तो बोला अच्छा रह जाओ, ये सब सुजोग सुविधा आदमी को मिलता है। और बुकिंग का बात अब जब बताया, बुकिंग का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आने के बाद हम लोग मिल जाता है, उसको हम लोग वापस नहीं करते। मान लीजिए कि कमरे अगर सभी फुल हों, भरे हुए हों, तो वैसे हर टाइम पूरा नहीं होता है, लेकिन तब भी होता है दुर्गा पूजा के छोड़ के हम लोग किसी को वापस नहीं करते, जो आएगा जैसे व्यवस्था है हम लोग व्यवस्था करने का प्रयास करता, व्यवस्था हो जाता। तो अगर आप भी वाराणसी घूमने का इरादा रखते हैं और एक बढ़िया फूडिंग और लॉजिंग के साथ व्यवस्था चाहते हैं, तो भारत सेवा आश्रम संघ जो है वो जगह है, वो वाराणसी के सिगरा में है, और बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरा और प्रकृति के लिए यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, पर्यावरण अनुकूल है। तो जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि यहाँ भोजनालय भी है, सामने आप देख सकते हैं कि ये भोजनालय है, और यहाँ पे जो है दोपहर को 12 बजे और रात में 9 बजे खाना मिलता है, खाना का रेट 50 रुपया है, 50 रुपये में आप जितना खाना खाएं खा सकते हैं, रोटी चावल और सब्जी, शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पे मिलता है। और ये है आश्रम का पीछे का हिस्सा, इधर भी कमरे बने हुए हैं, और इधर भी देखिए लोग जो है इधर भी ठहरते हैं, तो बहुत बड़ा इलाका है ये भारत सेवा आश्रम संघ जो है, मतलब
पूरा मतलब व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है और आतियों को हितों को ध्यान में रख के बनाया गया है। सेवा भाव के तहत यहाँ लोगों को रखा जाता है, कम से कम कीमत में जो है यहाँ पे आपको रहने की सुविधा उपलब्ध है। तो नमस्ते भारत में मैंने आपको दिखाया भारत सेवा आश्रम संघ की व्यवस्था को, यहाँ आप कैसे आ सकते हैं, ठहर सकते हैं और किस तरह के कमरे यहाँ पे मौजूद हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिलती है, वो तमाम चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की है ताकि आप अपने घर बैठे ही इस आश्रम के बारे में जान सकें। अगर आप घर बैठे यहाँ आश्रम में बुकिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस आश्रम का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, स्वामी जी का नाम लिखा हुआ है, जो यहाँ के संचालक हैं उनसे आप बात करके बुकिंग करवा सकते हैं। ऐसे स्वामी जी का दावा है कि यहाँ आने वाले यात्री पर्यटक यहाँ से वापस नहीं जाते। तो अगर आप वाराणसी में कम पैसे में अच्छी व्यवस्था ढूंढ रहे हैं, अच्छा माहौल में रहना चाहते हैं, तो ये भारत सेवा आश्रम संघ मुफीद जगह है। नमस्कार।